टीबीएन का प्रोग्राम है और आज की ताज़ा खबरें आज मंगर जुलाई की 26 तारीख के लिए आज एक बार फिर हमारे हिस्से में आया है। साहिब शहीद अली अहमद के गैर हाजिरी में आज ये प्रोग्राम हम आपके नाम पर जो पेश खिदमत करेंगे। तो सबसे पहले आज की ताज़ा खबरों में आप हरिक को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु, नमस्ते, राम राम। और इंशाल्लाह यही उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर अच्छे से हो, योजा सागर है, कोई खुशी की बात है मुबारक हो। अगर आप तकलीफ में हैं, परेशान हाल हैं, तो आपको हम याद फरमाते हैं या आपको सब्र करना चाहिए, संतोष करें। और अगर आपके फैमिली में कोई गुजरल है तो टीबीएन का फुल टीम आपके दुख में शामिल है, आपको कोंडोलेयर करते हैं। तो खबरें बयान होंगे और सूरीनाम के जनता, सबसे पहले कोर्स जो है वो आज के दौर में काफ़ी ऊंचा होता जा रहा है। और अखबार लिखता है कि अपवख नार्द फैफन त्वेंतख, तो एक यूएस डॉलर के लिए फीरन त्वेंतख एसरदे फैफन दैर तक सेंत, या तो फिर फीरन त्वेंतख एसरदे फैफ तक सेंत आपको भरना है। और यूरो तकरीबन 25 एसरदे में बिक रहा है, तो ये बड़ी बुरी खबर है क्योंकि इसका असर जो है वो हमारे और आपके जेब में चलेगा ना। हम और आप इसका जो परिणाम है, जो अंजाम है, ये हम लोग बहुत जोर से महसूस करेंगे ना। और ये नामोई बात है, दुकान से लेकर ना हर एक चीज जो आप खरीदोगे उस पर आपको ये लगेगा कि बड़ी खराब चल रहा है। तो सूरीनाम के जनता, ये बात आपको बताना बड़ी जरूरी है। मिनिस्टर जो है हैंडल एंड इंडस्ट्री वाला गुजरे हुए दिनों में बोले रहा कि एयरस्टल लेफंस बहुफ्त के लिए एगो अलग लेस बनाया जाता, और अगर आप सुपरमार्केट में जाते तो सुपरमार्केट वालों को यह हुक्म दिया जाता कि ये एयरस्टल लेफंस बहुफ्त आप लोग अलग इस्तेमाल करें, ना बाबा मरा है और ना बैल बिका है। ऐसा कोई भी दुकान में मैंने कोई अलग प्राइस बलैत या लैस एयरस्टल लेफंस बहुफ्त का हमें तो नजर नहीं आया भाई, शायद आपको नजर आया हो तो बात हो कुछ और। प्यारे भाइयों, ई देश में बड़ी दुख की बात है कि खसौन थे सौरख नुल कोमा नुल है, जनता झंके है बासो कार्त के लिए। और आपको अंदाजा है कि फॉलक्स खसौन थे कितना बलंगर एक हैगा। यहां पर मिनिस्टर अमर रमादीन बोले हैं, इन्फॉर्मासी ओफर खार्स था अमेदी सैन एनिकेरी इसमें नित बकेंट, तो ये बड़ी तकलीफ की बात है क्योंकि मिनिस्टर लोगन के, सरकार के बड़े बड़े हस्ती लोगन के प्लेटिनम कारता है और जनता जोन उन लोगन के चुन के बैठावे है उ लोगन झंखे कारता के लिए। और निकेरी में दवाई के खारस्त है और मिनिस्टर लगे बकैंत ना है। बेरखर्स निकेरी बतरेरन है टेंसेरस्त दत्स न्यू फॉर हन मई दी कासी मुतबताल हेत लेक्ट एर फॉल्स हैन अप दत्र खेन मई दी सैन तफेंदन सैन एंड दत्स दार द ट्यूप फा वर्दा दत इज नीत अलेन निकेरी हेत खफाल मरो कैन परमारी बो फे यहा पे का पार्लियामेंटारियर श्रीमान देव शर्मान फीस फोर से तर है पंच घर का, वो बोले रहा कि खसौन था इत सौरख सूरीनाम देश में इस लाख ऑफ एल्कनिफो या, तो ये दुख की बात है कि हमारे जनता, हम और आप झंकीला हम लोगन थोड़ा से मेदिस बढ़िया मेदिस सौरख के लिए, दैट इज यामर। हमारे देश के जनता, आप लोग जानते हैं कि मैं बात वैसे करूंगा जैसे है ना, घुमा फिरा के बोलने वाले मसे हम नहीं हैं। और आप जानते हैं कि सूरीनाम में आज के दौर में एगो और खानेक मौफ मंथ है जो
प्रोटेस्टेर करते हैं या और ई लोगन बोलिन है स्टार न्यूज पे कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि सरकार को घरे भेजा जाए, बिल्कुल नहीं। बोले हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार ने जो वादे किए थे उनको निभाना शुरू करें। सब कुछ इतना महंगा भैया, कोर्स जा रहा है ऊपर, दवाई वगैरह मिलते ना है, मेदी सौरख नल को मनल या और सूरीनाम के जनता, ये जो फैमिली और परिवार वालों को बनुम किया जाता है या सब कुछ इतने महंगे होते जा रहे हैं, इन बातों पर नुट्स फोर्सिनेंगन पर भी सरकार को कुछ चाहिए करे क्या? लेकिन अबे तलक तो कुछ नहीं होता है, तो इसीलिए एक ख्रूप कायम हुआ और ये लोग काफी नाराज हैं। जी हाँ, और इसमें सिपाही के अगवाकार लोग भी हैं, जैसे भैया सर्खियो जेंटल और भैया जोन है राहुल हेलिंग्स, ई लोगन ई ख्रूप से भी है। सूरीनाम के जनता लोगन, सूरीनाम से पोलिसी बॉन्ड का फोर्सेटर श्रीमान पुतिनी अतोम्पाई एक आव खमेन लेद फरखादरिंग में ये बात को सामने लाइस है कि ऊ लोगन के भरोसा फरत्रोवन मिनिस्टर केनत अमोक्सी पर से उठ चुका है और ये लोग बोले हैं कि सरकार को मोहलत है दोंदरदाख के 12 बजे से पहले मिनिस्टर को ऑनथेफ करे के, अगर ऐसा नहीं हुआ तो सूरीनाम से पोलिसी बॉन्ड स्टाकिंग में जाने वाला है। ये बात मैंने अपने घर से लिख के नहीं लाया हूं, ये स्टार न्यूज बयान किया है। तो केनत अमोक्सी पर से न सिर्फ उनके लोगों पर से भरोसा उठा, जनता भी इस आदमी पर अब भरोसा नहीं करता। इतने लूटमार, पुरनियन पे हमले, बुजुर्गों को मारा जा रहा है, घर में घुस घुस के में सांदल होते हैं और कापेस का जो अगवाकार है केनत अमोक्सी, ऐसा लग रहा है, मैं नहीं कहता कि ऐसा है भाइयों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये आदमी न बोल सकता है न सुन सकता है और न देख सकता है, क्योंकि जनता तकलीफ में है भाई। और ये मनाई क्रिमिनलिटेट के लिए कोई भी प्लान, कोई भी परिवर्तन, कोई भी फरंदरिंग लाता ही नहीं ना, तो ये सब चीज बड़ी रोमलख हो गया है और जनतवा गैल है थक ना, इसीलिए लोग अब सड़क पे निकल आए हैं भाई ना, क्योंकि देश में बुजुर्ग लोग भी महफूज नहीं है। एक मुसीबत हो तो बताया जाए, तो अब प्रेसिडेंट बोले हैं कि वो चाहता है डायलॉग, बोले हम लोग तैयार हैं उन लोगों से डेमोस्ट्रेंटन के अगवाकारों से बातचीत करने के लिए। अरे भैया, इतना दूर कौन काम रहा आवे के? आप लोग ना देखो है का कि देश के हालात क्या है ना? तो प्यारे भाइयों, पता नहीं है ये हड़ताल, ये अक्सी, ये डेमोस्ट्रेशन जो हो रहे हैं, इसका परिणाम, इसका अंजाम, इसका खफलख क्या होगा? लेकिन जो भी होगा वो तो सामने आके ही रहता है। तो आज के लिए आप लोगों को यही तलक हमने चंद बातें समझाने और बताने की सोचे रह लें। एक और बात बता दें खत्म करने से पहले, नेशनल लेकर अंडरस्टैंड पॉलिसी ओम ऑर्द एंड फाइल खैत खरंदेरा स्टार्ट फन परात है वर्क फॉर हो हेत नेशनल लेकर हेफ बिजोंदरा फोर सौरक्ष मात्र एक लंख त्रफ
om te garanderen dat de politie ondersteund wordt bij het garanderen van orde en veiligheid op het totale grondgebied van de republiek. बढ़िया बात है, ये कोई खराब चीज ना है, चाहिएगा चाहिए, क्योंकि जो लोग डेमोस्ट्रेट करते हैं वो लोगन के नियत कभी भी बिगड़ सकता है, और दहंत हाफ करे के लिए सुरजाती लोगन मिलिटेर लोगन सिपाही को सहायता देने जा रहे हैं, तो ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि डेमोस्ट्रांतन जो है ये लोगन अपने आप के भी काबू में हरदम ना पकड़ पावे है, ये लोग बैत या अपन लिमिट से बाहरे चल जा है, गाली देना शुरू होता है, बदरेखिंग होता है, एंदत खात सुवी सोवनित खतोलोरेट वर्द मेरे भाइयों। तो आज के लिए हम खबरें आप लोगन के नाम पर बयान किए हैं, और यही कहूंगा कि ई देश के अगवाकार लोगन जो है कोअलिसी वाले ओपोसिसी वाले अगर मिल करके ई देश को चलाना शुरू कर दें, तो आज हम लोग शायद किसी और मकाम पे होते। यही कह करके आज के लिए आप हरिक को अस्सलाम वालेकुम नमस्कार करते हैं, और अगर रहेंगे बाकी हम तो इंशाल्लाह किसी न किसी मोड़ पर आपसे फिर मिलेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़ हमारे जनता।